बिग बॉस तो है ही एक हलचल का नाम, यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल तो होती ही रहती है। अब बिग बॉस के घर में जो कंटेस्टेंट्स थे उन्हें एक टास्क दिया गया था जिसके तहत वो नॉमिनेशन से बच सकते थे, और उस टास्क का नाम था ज्वेल थीफ। अब इस टास्क में जो कैप्टन थे वो सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान थे। जी हाँ, जो हिना खान थी वो लड़कों की कप्तान थी और वही सिद्धार्थ शुक्ला लड़कियों के टीम के कप्तान थे। दोनों ने काफ़ी स्ट्रेटजीज भी बनाई, अपने टीम को अच्छी लीडरशिप भी प्रोवाइड की ताकि वो उस टास्क को जीत पाएं और नॉमिनेशन से खुद को बचा पाएं। ये जो टास्क होता है वो इतना आसान नहीं होता, इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी भी देखने को मिलती है। सिद्धार्थ शुक्ला गौहर खान की बहुत बहस होती है इसमें, और दोनों का जो बहस का सिलसिला है वो रुकने का तो नाम ही नहीं लेता। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला की बहस एजाज़ खान से भी हो जाती है, जो फ्रेशर कंटेस्टेंट है। समझ लीजिए पहली बार उनकी बगावत हो रही है अब सीनियर से, और एजाज़ खान की जो बगावत है वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ देखने को साफ साफ मिली। जब एजाज़ खान को ऐसा लगा कि जो टास्क हो रहा है सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से वो खराब हो गया, और इस पर दोनों की खूब जमकर बहस होती है जो कि थमने का वहां पे नाम नहीं लेती, और माहौल काफी गर्म हो जाता है। खैर, अक्सर टास्क में होता भी यही है, बिग बॉस के घर में जो टास्क होते हैं तो लोग अपना 100% देना चाहते हैं, और खास के जो सिद्धार्थ शुक्ला हैं, आपने तो पिछले सीजन में भी देखा ही होगा कि किस तरीके से वो आक्रामक रूप अपना लेते थे जब टास्क की बारी आती थी। वो हर टास्क जीतना चाहते थे, उनमें विनिंग का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी बहस प्यार सब कुछ देखने को मिला है। तो दोस्तों, इसी तरीके से बिग बॉस 14 से जुड़ी सबसे पहले खबर पाने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ।